तीन दिन नहीं 9 घंटे में पूरी होगी अमरनाथ यात्रा। बाबा बर्फानी के भक्तों को मिला सबसे बड़ा तोहफा। 5,300 करोड़ की लागत से बन रही 110 किलोमीटर लंबी सड़क। शीशनाग से पंचतरणी तक बनेगी 10.8 किलोमीटर लंबी सुरंग। बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की अमरनाथ गुफा तक सड़क बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अभी श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा को करने में 3 दिन का समय लगता है, लेकिन इस सड़क के बनने के बाद ये यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होगी। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि 5,300 करोड़ रुपए की लागत से अनंतांग में खन्नाबल से पंचतरणी तक 110 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जो कि 2 पेव शोल्डर लेन के साथ होगा। खन्नाबल से चंदनबाड़ी के बीच 73 किलोमीटर लंबी 4 लेन रोड 1800 करोड़ में बनकर तैयार हो। चंदनबाड़ी से पंचतरणी होते हुए बालटाल तक 3500 करोड़ रुपए की लागत से 37 किलोमीटर 2 लेन सड़क बनाई जाएगी। शेषनाग से पंचतरणी तक 10.8 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। पंचतरणी से अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक 5 किलोमीटर लंबा 5.5 मीटर चौड़ा पैदल मार्ग बनाया जाएगा। भक्तों की सुरक्षा के लिए पैदल मार्ग के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। 5,300 करोड़ की लागत से परियोजना का कार्य पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर पूजन और पुष्करण जैसी चुनौतियों से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही 3 दिन की अमरनाथ यात्रा अब मात्र 9 घंटे में पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही सर्वतमाला परियोजना के तहत बालटाल से पंचतरणी तक 750 करोड़ में 9 किलोमीटर लंबा रोडवे बनाने की योजना है। मौजूदा परिस्थितियों में चंदनबाड़ी से पंचतरणी तक और बालटाल से पंचतरणी तक श्रद्धालु पैदल ही या फिर घोड़े अथवा पालकी से अपनी यात्रा करते हैं। इसमें कई बार हादसे के कारण श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन अब सरकार 110 किलोमीटर लंबी सड़क बना रही है, जिसमें करीब 11 किलोमीटर लंबे सुरंग भी शामिल है। इसके कारण ना तो भूस्खलन, बारिश, बर्फबारी से यात्रा रोकनी पड़ेगी और ना ही किसी की जान को खतरा पैदा होगा। मौजूदा समय में जून से अगस्त के महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू होती है।